गुड मॉर्निंग, मैं सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में मैं इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2020 का क्वेश्चन नंबर 5 डील कर रहा हूँ। ये मोस्टली जनरल प्लेन मोशन पर बेस्ड है और ये जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें कहा गया है कि एक रड है जो जिसका लेंथ एल है, मास एम है, एक मासलेस स्ट्रिंग जिसका लेंथ डी है से कनेक्टेड है। ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है रखा हुआ है। एक बुलेट है जिसका मास सेम मास है स्मॉल एम, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसके एक रड के इस एंड से स्ट्राइक कर देता है, स्टिक कर देता है। तो मुझे फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें करीब करीब इस क्वेश्चन में सब कुछ जनरल प्लेन मोशन की सारी बातें इसमें मेंशन है, सब कुछ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप ध्यान से देखें कैसे सोचना है, प्लान करना है। टोटल जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे इसमें से एक 5वां क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है। ये रेड दिखाया है मैंने और रेड पे लगने वाला ये टेंशन फोर्स, ठीक है, सिर्फ सिंगल एक ही फोर्स लग रहा है जो सरफेस के पैरेलल है, जो इसमें मूवमेंट ला सकता है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को देखने से ये पता चलता है कि ये जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग है, इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट जब भी मूव करेगा तो सर्कल में ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि इसका मोशन सर्कुलर ही होगा, सर्कल में होगा, जिसका रेडियस कैपिटल डी होगा, ठीक है। जैसा कि आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये जो टेंशन फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता होगा, ठीक है, और साथ साथ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट भी करता होगा इस रड को। इसका मतलब अल्फा एक वेरिएबल होगा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये वेरिएबल होगा, टेंशन यहाँ वेरिएबल होगा, ठीक है। और ये जो पार्टिकल स्ट्राइक करता होगा तो इसको एंगुलर वेलोसिटी भी आ गया होगा, इस रड को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लेते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से रड रोटेट कर रहा है। दूसरी की बात ये कि टकराने के जस्ट बाद ये पॉइंट जो है आपको पता है कि ये कंस्ट्रेन है इस कैपिटल डी रेडियस वाले सर्कल में मूव करने को। तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पिंड का इधर की ओर वेलोसिटी यू है, ठीक है। अब हमारे पास जो वेरिएबल की संख्या है वो आप जरा देख लीजिए, अल्फा, ओमेगा, एक्सेलरेशन, टेंशन और यू, ये टोटल का टोटल 5 वेरिएबल है। तो 5 वेरिएबल है तो 5 इक्वेशन हमें लिखने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। अब कौन कौन से इक्वेशन लिखने होंगे ये सोचना है। यू और ओमेगा हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से मैंने प्लान किया है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या 5 है, इसमें से टी, यू, ए, सी, एम, ओमेगा और अल्फा है, ठीक है। टोटल नंबर रिक्वायर्ड जो नीडेड है वो 5 की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ तक यू और ओमेगा को फाइंड करना है तो यू और ओमेगा को फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशन लिखने होंगे। एक मोमेंटम कंजर्वेशन किधर की ओर, तो पता है कि दोनों को अगर सिस्टम मानेंगे, इस रड और इस पार्टिकल को दोनों मिला करके अगर सिस्टम मानेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स या टेंशन फोर्स है। और हमको पता है अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना होगा तो हमको इस डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं। तो हम जो है एक इक्वेशन लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। शुरुआत में ऐसा रखा हुआ रहेगा तो टेंशन की वैल्यू 0 होगी, लेकिन झटका के बाद टेंशन की वैल्यू 0 नहीं होगी, चेंज हो सकता है। इसलिए मैंने डिफरेंट लिया है, रस्सी का टेंशन तुरंत चेंज होता है, इसलिए आप T=0 आफ्टर कोलिजन नहीं मान सकते हैं। टेंशन टी, इसलिए मैंने टेंशन टी को वेरिएबल माना है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ होगा,
तो क्लियर है कि इस पॉइंट पे ये एक्सटर्नल फोर्स टी लग रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू हमारा जीरो होगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस रड और इस पार्टिकल सिस्टम के लिए एक इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं। तो दोनों का जो सॉल्व करेंगे तो आपको आपको यू और ओमेगा के वैल्यू मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट प्लान जो है हमारे पास तीन वेरिएबल और है, टी है, ए सी एम है और अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन को, तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें तीन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये तीनों इक्वेशन कौन कौन सा होगा। तो टू फाइंड टेंशन टी, अल्फ़ा और ए सी एम, तो सबसे पहले वैसे ही जनरल प्लेन मोशन के लिए हम लोग एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों मिला करके, रड प्लस पार्ट दस रड प्लस बुलेट सिस्टम को मैंने सिस्टम मान लिया है, और उसके बाद एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इनटू ए सी एम हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन ये मिलेगा यहाँ, तीसरा इक्वेशन ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको पता है कि जनरल प्लेन मोशन में हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग टॉर्क सी एम इज इक्वल टू आई सी एम अल्फ़ा, ये चौथा इक्वेशन हो गया, ठीक है। और ये पांचवा इक्वेशन जो है वो हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना पड़ेगा। अब इसी को हम बारी बारी से अभी हम एक एक पॉइंट करके सारे इक्वेशंस को हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ये है, तो ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ये यू हो गया। तो इसके पैरेलल मैंने ये यू दिखा दिया है, देखिए ध्यान से, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मुझे लिखना है। सेंटर ऑफ मास की जब वेलोसिटी हमें लिखना है तो ये वेलोसिटी, ये पी पॉइंट की वेलोसिटी जो यू है यहाँ पे, तो यू मैंने दिखा दिया है इस पे, और उसमें ऐड करना क्या है, तो P के रेस्पेक्ट में C की वेलोसिटी। तो P के रेस्पेक्ट में C जो है सर्कल में मूव करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 3L/4। ये जो डिस्टेंस है ये है 3L/4। सर्कुलर मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होगा वो होगा ओमेगा 3L/4, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। अब हमको मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना है, आप जरा ध्यान से देख लीजिए, ये स्क्वायर एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमारा एंगल थीटा, देख लीजिए ध्यान से, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो हम लिख रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इधर की ओर हमने पॉजिटिव माना है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। तो इसको आप इस एंगल को भी देखिएगा, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट की बुलेट है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं, तो अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन कितना होगा, देख लीजिए, इधर की ओर पॉजिटिव मैंने माना है, तो लिखेंगे एम वी नॉट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, पार्टिकल का मोमेंटम लिखा है इस तरफ, रड रेस्ट में है, उसके बाद ये स्टिक कर जाता है, स्टिक कर जाएगा तो फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करना शुरू करेगा और इस तरह से मोशन होगा। तो टोटल मोमेंटम लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम जो होता है कंबाइंड सिस्टम का वो होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमको टोटल मास हो गया 2m, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर चाहिए। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए, और सेंटर ऑफ मास जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, और हमको अगर सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट इधर करना पड़ेगा, साथ साथ इसका कंपोनेंट इधर करना होगा। इसका मतलब
ये जो होगा हमारा वो होगा 3 ओमेगा एल वाई 4 कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस माइनस यू, ये होगा वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देते इस तरफ, ठीक है, तो हमारा हो गया, हम देखिए 3 ओमेगा एल वाई 4 साइन थीटा माइनस यू, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये एक इक्वेशन आया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम तो कोलिजन से पहले हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी नॉट, वेलोसिटी हो गया यहाँ से, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो एल है, तो कोलिजन से जस्ट पहले एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा एल नॉट पी आई इज इक्वल टू एल नॉट पी एफ फाइनल, तो ये जगह एम वी नॉट इंटू एल, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कोलिजन के जस्ट बाद, तो कोलिजन के जस्ट बाद जो है दोनों कंबाइन होकर मूव करने लगेगा। तो अगर हम इस पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको ट्रांसलेशन के वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा, फिर रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन की वजह से निकला होगा। इसका मतलब मुझे वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा, ये फार्मूला, ठीक है। तो हमारा हो गया एम वी नॉट एल इज इक्वल टू, आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ये जो यहाँ से डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, अब मुझे इसका इसके लिए एंगुलर मोमेंटम लिखना है ट्रांसलेशन वाला, तो ट्रांसलेशन वाला अगर हम पूरा टोटल नेट रिजल्टेंट का निकलना है तो उससे अच्छा है कि हम प्रत्येक कंपोनेंट का हम लिख के वजह से एंगुलर मोमेंटम लिख दें। इस कंपोनेंट के वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा 2m इंटू वेलोसिटी इंटू यहाँ से 3ly4, तो ये मैंने 2m पूरा कॉमन ले लेते हैं, या लिख लीजिए 2m इंटू 2m इंटू वेलोसिटी लिखिए 3ωly4 3ωly4 इंटू वेलोसिटी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3ly4। इस कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं, तो 2m मास हो गया, वेलोसिटी u हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 3ly4 साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा माइनस 2m इंटू यू इंटू 3ly4 2mu इंटू 3ly4 साइन थीटा, ठीक है, 3ly4 साइन थीटा, तो ये एंगुलर मोमेंटम इसका हो गया ट्रांसलेशन की वजह से। उसके बाद रोटेशन की वजह से देख लीजिए ICN, द सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सेंटर ऑफ मास पहले रड का लिख लेते हैं उसके बाद पार्टिकल का लिख लेंगे, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल वाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पार्टिकल का हो गया एम एल वाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू ओमेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2 V naught by L and U is equal to V naught by 3 root 2. इस तरह से ओमेगा और यू का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। रड प्लस बुलेट सिस्टम हम लोग मान लिए हैं और मानने के बाद हम न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखना चाह रहे हैं। तो आप देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ सिर्फ ग्रेविटी ये टेंशन फोर्स लग रहा है। तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम एसीएम माने हैं तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। फिर न्यूटन्स लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। टॉस सी एम इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। अब ये टॉर्क इक्वेशन आप देखिए, टॉस सी एम अगर हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसके अबाउट टॉर्क लिखना है। तो हम टेंशन का ये क्या करते हैं, टेंशन ये टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो टी कॉस थीटा के वजह से तो टॉर्क होगा, लेकिन टी साइन थीटा के वजह से जीरो टॉर्क होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो टॉर्क होगा टी कॉस थीटा इंटू 3L/4 टी कॉस थीटा इंटू 3L/4 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं रड का ML² / 12 प्लस पैरेलल सिस्टम लगा करके ML/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको 2 times कर देते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो जाएगा इनटू अल्फा होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। ये लास्ट इक्वेशन जो मुझे लिखना होगा वो कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना होगा। ये जो पॉइंट पी है वो क्लियर है कि वो सर्कल में मूव कर रहा है, और सर्कल में मूव कर रहा है तो क्लियर है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम इस पॉइंट का वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं यू, और रेडियस जो है कैपिटल डी है, तो हमको पता चल जाएगा कि सेंटर की तरफ मतलब स्ट्रिंग की तरफ जो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वो U²/D। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा, अगर ये पॉइंट पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन का वैल्यू U²/D ही होगा, ठीक है। मतलब हमको पता चल गया कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग की तरफ U²/D है। अब ठीक है, अब इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो हम इसको जैसे हम इस पॉइंट का जैसे हम लोग वेलोसिटी फाइंड किए थे सेंटर ऑफ मास का, वैसे ही पी पॉइंट का हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ये सी एम दिया ही हुआ है, और एक्सेलेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये जो सेंटर ऑफ मास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ये पॉइंट तो हमको पता है ये सी एम है, और ये पॉइंट तो ये पॉइंट क्या होगा, तो पी के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट पी जो है सर्कल मूव करता रहेगा, और सर्कल मूव करने से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और क्लॉकवाइज में है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू आर, आर का वैल्यू 3L/4
फोर है, ये जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है। और चूंकि ये जो पार्टिकल पी है वो ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इससे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर, आर के जगह पर हम लोग 3L/4 लिखेंगे। ये होगा थ्री ओमेगा स्क्वायर L/4 आ गया। और ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सेलेशन है वो मेरा ACM है, जो ये हमारा एक्सेलेशन सेंटर ऑफ मास का इधर दिया हुआ था उसी के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया है। एक्सेलेशन ऑफ पॉइंट पी टुवर्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू ACM, ठीक है। उसके बाद इसका कंपोनेंट ये हो गया, देख लिए। उसके बाद हमको क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट इधर की ओर ले लेंगे और इसका कंपोनेंट इधर की ओर ले लेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ये हो जाएगा ACM माइनस थ्री प्लस हो गया ये अल्फा 3L/4, अल्फा 3L/4 कॉस थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर 3L/4। आप ये देख सकते हैं कितना होगा, ये थीटा है यहाँ पे, ये थीटा है, ठीक है। आप इसको आप यहाँ से बता सकते हैं, ये थीटा है और ये है आपका 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर 3L/4, ओमेगा स्क्वायर 3L/4, ओमेगा स्क्वायर 3L/4 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मुझे पता है U² / D दिया हुआ है, ये हमें इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा। करेंगे तो ACM की वैल्यू T के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। ACM की वैल्यू T के टर्म में इक्वेशन नंबर 3 से, और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग T के टर्म में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। U का वैल्यू आ चुका है, वैल्यू ये पुट करके हम लोग यहाँ से T का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेंशन T इज इक्वल टू 5 mv0² / 4 इंटू 1/18 D प्लस 1/L√2। यहाँ से ये टेंशन का वैल्यू आएगा, ठीक है। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाते जाएँ और आपके हर प्रॉब्लम्स को हम दूर करते चले जाएँ। ओके, थैंक यू।